Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मेरठ सुभारती मेडिकल कॉलेज के पीछे बनाई गई कच्ची कॉलोनी रमन एनक्लेव में पैसे का जुगाड़ कर किसी तरह प्लॉट लेने वाले करीब 80 लोग सड़क पर आ गए हैं, जिन आदित्य प्रकांत और अभिषेक त्यागी ने इन प्लॉट का बेनामा किया था, वे गायब हैं। मैसर्स मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड ने इस जमीन का बेनामा आदित्य प्रकांत व अभिषेक के नाम 2022 में किया था। इस बेनामे के आधार पर ही आदित्य, अभिषेक व रमन ने करीब 80 परिवारों को कच्ची कॉलोनी में ये प्लॉट काटकर बेच दिए थे। मैनकाइंड व आदित्य प्रकांत आदि के बीच विवाद होने पर मैनकाइंड ने पूरी जमीन पर स्टे लेते हुए प्लॉट लेने वालों को नोटिस जारी कर दिए। आज इन पीड़ितों ने मेरठ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाए कि मैनकाइंड व आदित्य आदि ने मिलीभगत कर उनके साथ धोखाधड़ी की है। उनकी गाड़ी पसीने की कमाई उन्हें वापस नहीं मिली तो वे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर कुछ गंभीर करने के लिए बाध्य होंगे। आज प्रदर्शन करने वालों में शामिल विक्रांत ने वह एग्रीमेंट भी firstbite.tv को शेयर किया, जिसके मुताबिक 5 दिसंबर 2022 में मैसर्स मैनकाइंड फर्मा ने आदित्य प्रकांत निवासी न्यू ऋषिनगर नई बस्ती फाजलपुर व अभिषेक त्यागी निवासी तेहरे मीरा एनक्लेव गढ़ रोड से किया था। दोनों पक्षों के बीच 31,713 वर्ग मीटर का सौदा 26 करोड़ रुपए में हुआ था। 50 लाख रुपए बतौर बयाना मैनकाइंड को दिया गया था। बाकी धनराशि के लिए शर्तें तय की गई थी। कंपनी द्वारा किए गए बैनामे के आधार पर ही रमन एनक्लेव में काटे गए प्लॉट की रजिस्ट्री की गई थी। एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में मैनकाइंड के अधिकृत प्रतिनिधि मंजीत कुमार निवासी सीमांत विहार कौसाम्बी, आदित्य प्रकांत, रमन चौधरी निवासी न्यू ऋषिपुरम नई बस्ती फाजलपुर, अभिषेक त्यागी सौरभ निवासी गगन विहार रोहटा रोड के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों में शामिल विक्रांत का यह भी कहना है कि मैनकाइंड द्वारा दिए गए नोटिस को पाकर जानी क्षेत्र के ब्रह्मपुर निवासी प्रेमपाल सिंह की हार्ट अटैक से बीते दिवस मौत भी हो गई है। मौके पर मौजूद नीरज शर्मा ने यह जानकारी firstbite.tv को दी। देखिए, मेरा नाम नीरज शर्मा है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मैंने रमन और आदित्य जो बिल्डर हैं जिन्होंने कॉलोनी काटी थी घाट रोड पर रमन एनक्लेव के नाम से, मैनकाइंड फार्मा की जमीन थी। इन्होंने मैनकाइंड फार्मा से एक रेजोल्यूशन दिखाया कि हमारा आपस में एग्रीमेंट हो गया है, प्लॉटी मिल रहे हैं और ना हमारे पैसे वापस मिल रहे हैं। रमन और आदित्य फरार हैं, सारे फरार हैं। कितने लोग हैं जिनको प्लॉट आवंटित किया? करीब 150 लोगों के प्लॉट वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। सबके रजिस्टर्ड रजिस्ट्री की कापी हम सारे लेकर के आए हैं साथ में। माननीय पैसे ले रखे हैं, हमने एसएसपी साहब को इसके बारे में ज्ञापन दे दिया है, अब हम डीएम साहब को देंगे अगर कार्रवाई नहीं होती। देखो हम पहले से कह रहे हैं, हाँ जी, पुराना आपराधिक रिकॉर्ड कोई नहीं है, हमारी नजर में कुछ नहीं है। जब निकाले जाएंगे तो निकलेंगे बहुत सारे, हम अब पुष्टि नहीं कर सकते। धमकी सीधा मारने की देते हैं, अपहरण इनमें कुछ लोगों के अपहरण कर लिए थे उन्होंने, इनको ले गए थे ठाकर के, 3-4 और हैं। कप्तान साहब ने कहा ये मामला मेरे संज्ञान में, क्योंकि मामला एक साल से चल रहा, कार्रवाई तो कोई हो नहीं रही, हर बार आश्वासन मिल जाते हैं, इस बार देखते क्या होता है। कप्तान साहब ने बोला कि हम आपके मामलों को हमारे संज्ञान में, हम निपटा देंगे। सबके रजिस्टर्ड बेनामे और सबको फर्जी बताया जा रहा है। थाना लगता है टीपी नगर, प्रतापपुर और लालकुर्ती, इन सब में मामले दर्ज है, पुलिस घर तक गई नहीं आज तक। अभिषेक त्यागी जी भी इसमें शामिल है, हाँ जी, 70-80% आर्मी से रिटायर है। जो पैसा मिला था 15-20 लाख रुपए अपने बच्चों के लिए घर बनाने के लिए प्लॉट लिए थे, अब वहाँ गार्ड खड़ी है, गार्ड के हाथ में जो है राइफल है, अब उसमें जाए कैसे? ऊपर से मैनकाइंड हमको भेज दिया नोटिस भेजा कि आपने जो बैनामा करा फर्जी है, जबकि कागज जो बताता है मैनकाइंड फार्मा ने आदित्य को बैनामा कर रखा है, आदित्य ने हमें कर रखा है मैनकाइंड को, जबकि नोटिस देना चाहिए था रमन को, मैनकाइंड ने आम जनता को दे दिया। इनके घर में नोटिस आ गए, हम अपना मकान बनाने गए, गार्ड ने हमें बंदूक दिखाई वहाँ पे। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई ये रहेगी, अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम तो देखो बर्बाद हो ही गए हैं। हम सबसे पहले यहाँ डीएम साहब के यहाँ प्रदर्शन करेंगे और अगर हम मांग नहीं होती हम आत्मदाह करेंगे मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर। हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है, अब हम अपनी जान दे देंगे, अपने बच्चों को वहीं ले जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।